नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू सीआईईटी एनसीईआरटीज लाइव फोन इन इंटरएक्टिव प्रोग्राम। माय नेम इज तन्वी खुराना एंड इन दिस सोशल साइंस क्लास वी आर हियर टू डिस्कस द टॉपिक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट वन। All the 10th class children, you are watching us on eVidya channel number 10. And if you have any questions regarding this topic, to hum tak pahunchaiye apne sawal. Aap hame chahe to phone kar sakte hain. Number hai 8800440559. Agar email karna chahe to email id hoga dth.class10@ciet.nic.in. तो बहुत सारी बातचीत होने वाली है आज यहाँ पर इस टॉपिक से जुड़ी हुई। तो आइए आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार जी, स्वागत है सर आपका। जी मैडम, धन्यवाद। नमस्कार, देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जी सर हैं हमारे साथ पीजीटी इन हिस्ट्री केवी असनसोल वेस्ट बंगाल से, और सर से हम पूछेंगे बहुत सारे सवाल इस चैप्टर से जुड़े हुए। तो इस जानकारी से पहले हम आपको एक अनाउंसमेंट ज़रूर देना चाहेंगे, जो कि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। वी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर। अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन हर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग ग्लोबल pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam, or should I say the world is one family। तो चलिए इसी सूचना के साथ हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं सोशल साइंस का, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट वन। तो चलिए सर, तो पहले सर से पूछते हैं कि सर आज जो हमारा कंटेंट है वो किस बारे में है, क्या सीखने वाले हैं बच्चे आज इस चैप्टर से रिलेटेड। जी मैडम, वंस अगेन थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैडम, आई वांट टू टेल दिस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास 10th हिस्ट्री स्टूडेंट्स। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट, द वे इट इज इंपोर्टेंट, द वे इट इज कंफ्यूजिंग टू, द वे इट इज यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड टू। In my 16 years of teaching career, most of the time the students were having the most confused number of confusion in this chapter only. सबसे ज्यादा important chapter होने के बावजूद बच्चों को आज तक जो मैंने 16 साल में जो अनुभव किया है कि सबसे ज्यादा confusion जो problems create होती है history में इस chapter में होती है। मैंने पूरी कोशिश की है इस चैप्टर को कई सारे सेशंस में मैंने बांटे हैं, और मेरी कोशिश ये पूरी रहेगी कि मैं बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से बच्चों को ये चैप्टर समझा सकूं, और पूरी तरीके से एक क्रोनोलॉजी के रूप में बच्चों को ये चैप्टर मैं डिस्कस करूं, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। सो मैम, शुड वी स्टार्ट? शैल वी? यस सर, एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू। So, बच्चों, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, व्हाट वी टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। बच्चों, अगर आपने क्लास 10th का हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इस चैप्टर की शुरुआत फ्रेडरिक सोरेन, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उनके बनाए गए एक पेंटिंग से शुरू होती है। तो हम भी जो आज अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, सोरेन की जो पेंटिंग है उस पर चर्चा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम नेशन, व्हाट इज द नेशन, राष्ट्र क्या है, इस मुद्दे पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देन विल सी फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप देखेंगे कि 18 सेंचुरी तक यूरोप के ज्यादातर जो देश हैं, जो आज हम जिनको मॉडर्न कंट्रीज कहते हैं, जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, 18 सेंचुरी तक इन देशों में कंट्री या नेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आखिर 18 सेंचुरी के बाद ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसने यूरोप के लोगों में, यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया थी, नेशन बनने का जो प्रोसेस था, वो इतना आसान था या उसके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी थे, कुछ चैलेंजेस भी थे।
और इन चैलेंजेस को डिस्कस करने के बाद फिर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग नेशन, आखिर जो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया थी, आज हम उसे मॉडर्न जर्मनी, मॉडर्न इटली की जो हम बात करते हैं, इसके बनने में किन किन प्रोसेस का सहारा लेना पड़ा, कौन कौन से प्रोसेस से इन देशों को होकर गुजरना पड़ा, इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा हम आज करेंगे जी। तो बच्चों लेट स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। आप सबको मालूम है बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में घटी, उसके बाद पूरे यूरोप की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, इट वाज एक्सपीरियंसिंग टर्मोइल, अस्त व्यस्त जैसी चीजें हो गई। कभी लग रहा था कि हम डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं, कभी लगा कि अब्सोल्यूटिज्म फिर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का दौर गुजरा। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप का जो पॉलिटिकल स्क्वायर है वो अस्त व्यस्त जैसा हो गया। यूरोप के कुछ क्षेत्र ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे थे, जहां लगातार कोशिश की जा रही थी उन देशों को मोनार्की से डेमोक्रेसी की ओर ले जाया जाए, परंतु अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां एब्सोल्यूट मोनार्की बहुत जोर शोर से एग्जिस्ट कर रही थी। बच्चों आप लोगों ने एब्सोल्यूट मोनार्की या एब्सोल्यूटिज्म टर्म पढ़ा होगा। एब्सोल्यूटिज्म मींस अ फॉर्म ऑफ मोनार्की इन विच देयर इज नो कंट्रोल ऑन द रूलर, जहां राजा के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता। इवन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द ब्यूरोक्रेट, ऑल दीज आर टोटली डिपेंड अपॉन द विशेस ऑफ द किंग, जहां राजा की मर्जी से ही सब कुछ चलता है। जब मोनार्की इस फेज से गुजरती है देन इट इज नोन एज एब्सोल्यूट मोनार्की और यू कैन से एब्सोल्यूट। लेकिन बच्चों एक बात तो क्लियर हुआ, पॉलिटिकल अस्त व्यस्तता तो आई, लेकिन एक चीज क्लियर हुआ कि चाहे अनचाहे कुछ देश लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी की ओर या नेशन की ओर बढ़ रहे थे, तो जो देश मोनार्की वाले देश थे, जो रीजन मोनार्की से इन्फ्लुएंस थे, उन रीजन में भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया का जो प्रयास है बहुत जोर शोर से चलने लगा। सो इस सेशन में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि राष्ट्र बनने के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा यूरोप के इन क्षेत्रों को, और कौन से प्रोसेस रहे जिसने राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। बच्चों दिस इज द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक स्टोरेल, आप ये पेंटिंग देख सकते हैं। पेंटिंग देखने के बाद आपको कुछ चीजें क्लियरली एविडेंट हो रही होंगी। देखा होगा आपने कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके पीछे डिफरेंट कंट्रीज की आर्मी है, उनका अपना अपना फ्लैग है, और आपको यहाँ पे यूनिटी, फ्रेटर्निटी, एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट इस पेंटिंग में देखने को मिलती। यही पेंटिंग बनाया था फ्रेडरिक सोले। हम देखें जरा इस पेंटिंग की खास बात क्या थी और इस पेंटिंग के बाद आखिर क्या प्रोसेस शुरू हुआ। पूरे यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में हम देखेंगे कि वहां जो आर्टिस्ट थे उन्होंने तरह तरह के इमेजेस पोर्ट्रेट करना शुरू किया। उन्होंने देश को, कंट्रीज को लिविंग पिक्चर्स के रूप में दिखाना शुरू किया। तन्वी मैडम जैसे कि आपने देखा होगा, हम अपने देश को भी भारत माता के नाम से जानते हैं। अब क्या भारत माता करके क्या कोई लिविंग फिगर हमारे देश में है क्या? लिविंग भारत माता क्या कोई लिविंग फिगर है हमारे देश को? नहीं सर, नहीं। हम अपनी मातृभूमि को, हम अपने देश को हम माता के रूप में देखते हैं जी, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को एलिगरी के नाम से जानते हैं। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स में भी हम इमोशंस को जोड़ते हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग इमेजेस के द्वारा रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, देन इट इज नॉन एज एलिगेंट। 18th 19th सेंचुरी में
यूरोप में अलग अलग देशों में जो वहां के आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने अपने देश को लिविंग पिक्चर्स के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे जर्मनी में एक इमेज बनी जर्मेनिया, जर्मेनिया और रिप्रेजेंटिंग द नेशन जर्मनी। फ्रांस में एक पिक्चर ऑफ जॉन दैट वाज नोन एज मेरियन। उसी तरह कुछ समय बाद चल के भारत में भी भारत माता का कॉन्सेप्ट जन्म लिया और उसे लिविंग पिक्चर्स के द्वारा दिखाने की कोशिश। सो फ्रेडरिक सोरेल ने ये पेंटिंग बनाई 1848 में और उस पेंटिंग में एक सपना दिखाया फ्रेडरिक सोरेल ने एक डेमोक्रेटिक और एक सोशल रिपब्लिक वाली दुनिया की, एक ऐसी दुनिया जिनके देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, जहां पे सोशल रिपब्लिक का फाउंडेशन हो चुका है। फ्रेडरिक सोरेल ने अपनी पेंटिंग में एक ऐसा विजन तैयार किया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे एंटायर अमेरिका, एंटायर यूरोप की जो पूरी सेना है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर मार्च कर रही है, उसको श्रद्धांजलि दे रही है, रिस्पेक्ट दिखा रही है उसके प्रति। और सबसे बड़ी बात क्या है, सभी देशों के पास अपने अपने नेशनल फ्लैग्स हैं, सभी देशों की अपनी अपनी पहचान है, सभी देशों के अपने अपने कॉस्ट्यूम्स, अपने अपने कल्चर है। जो फ्रेडरिक सोरेल की जो पेंटिंग बनाई गई थी, यहीं से एक तरीके से बहस की शुरुआत हुई, डिस्कशन की शुरुआत हुई नेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर। फ्रेडरिक सोरेल की पेंटिंग को बहुत सारे लोगों ने बताया यूटोपिया। अब बच्चों के मन में कॉन्सेप्ट होगा, कंफ्यूजन होगा, सर ये यूटोपिया क्या? यूटोपिया को हिंदी में बच्चों कहते हैं कल्पना आदर्श। कल्पना का मतलब आप जानते हैं इमेजिनेशन और आदर्श का मतलब आइडियल। यानी हम किसी चीज को इतना आइडियली हम इमेजिन करते हैं जो कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी में उसका एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं, इसी को यूटोपिया कहते हैं। यानी एक ऐसी कल्पना जिस कल्पना को कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी में उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज यूटोपिया। अब चूंकि फ्रेडरिक सोरेल ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें उन्होंने फ्रेटर्निटी दिखाई, जिसमें यूनिटी दिखाई, डेमोक्रेसी दिखाई, रिपब्लिक दिखाया, सिटीजन का कॉन्सेप्ट दिखाया, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट दिखाया, और इसी के कारण उनकी इस पेंटिंग को यूटोपिया कहा गया। अब सवाल उठता है कि इसे यूटोपिया क्यों कहा गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। जिस समय इस पेंटिंग को ड्रॉ किया था फ्रेडरिक सोरेल ने, उस समय यूरोप के जो आज जितने भी मॉडर्न कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री उस समय कंट्रीज के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। चाहे वो जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, बेल्जियम की बात करें, ऑल दिस मॉडर्न कंट्रीज वर नॉट कंसिडर्ड एज कंट्री दैट टाइम। सेकेंड, आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट रखा था फ्रेडरिक सोरेल ने अपनी पेंटिंग में, उस समय मॉडर्न डेमोक्रेसी अपने डेस्टिनेशन से मिलो दूर था। साथ ही साथ उस समय डिफरेंट किंगडम्स के बीच में, मोनार्कीज के बीच में लगातार इंपायर को एक्सटेंड करने के लिए लड़ाई होती रही। ऐसे में फ्रेटर्निटी की इमेजिनेशन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती। सो इन सारे चुनौतियों के कारण जो है नेशन से रिलेटेड डिबेट लगातार शुरू हुआ और इसी डिबेट ने नेशन बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। आगे चलने से पहले इसीलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नेशन, नेशन का अर्थ समझने की कोशिश करें। बच्चों 18th सेंचुरी तक देखिए नेशन का जो परिभाषा था इट वॉज वेरी लिमिटेड। It was believed till the 18th century that a modern state is an area where a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory. यानी 18th century तक modern की जो nation की जो परिभाषा करते हैं केवल एक क्षेत्र माना जाता था, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक centralized power जो है sovereignty अपने हाथों में रखती थी, उसी क्षेत्र को nation कहा जाता है। It was a very limited definition. इस आधार पे आज भी अगर हम बात करें तो दुनिया के ज्यादातर देश जो है वो नेशन के डेफिनेशन से बाहर हो जाए।
The first suitable definition of nation was given by French philosopher Ernest Renan in 1882. According to him, a national state was one in which the majority of its citizens, not only its ruler, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. उनके अनुसार जब हम राष्ट्र की बात करें, एक राष्ट्रीय राज्य की बात करें, तो राज्य की परिभाषा केवल शासकों से निर्धारित नहीं होती, वहां की जो मेजोरिटी सिटीजन होती है उसका भी रोल राष्ट्र के निर्माण में अहम होता है। रूलर और सिटीजन दोनों को मिलाकर जो एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होता है, एक शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट जो डेवलप होता है, उसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। सो अर्नेस्ट रेनन के डेफिनेशन के बाद, जैसे कि मैंने कहा, इससे रिलेटेड डिबेट शुरू हुआ और राष्ट्र की प्रक्रिया को लेकर यूरोप के सभी देशों में चर्चा चलने लगी और वहां पे इसको लेकर प्रयास चलना शुरू हुआ। आइए अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं। सो इट मीन्स कि राष्ट्र बनने में बहुत सारी बाधाएं थी अभी भी यूरोप। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हम अर्नेस्ट रेनन ने जिस राष्ट्र की बात की, ऐसे राष्ट्र बनने के प्रोसेस में कौन कौन से चैलेंजेस थे यूरोप में दैट टाइम। आप देखेंगे बच्चों, 18th सेंचुरी तक आज जो भी हम मॉडर्न देश यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, स्विट्जरलैंड हो, ये सभी मॉडर्न कंट्रीज उस समय अलग अलग किंगडम, डचीज और कैंटोन्स में बटे हुए थे, जिन पे अलग अलग शासक शासन करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि वहां के जो लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे, उनका एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या एक कॉमन कल्चर डेवलप कर पाना बहुत ही मुश्किल होता। ये तो एक समस्या थी ही थी। इसके अलावा उस समय की जो कॉन्टेम्पोररी पावरफुल मोनार्कीज थी, चाहे वो ऑस्ट्रिया की हो, फ्रांस की हो, वो लगातार इन देशों के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करते थे ताकि ये लोग एक ना हो पाए। इसके साथ ही साथ ये जो ऑस्ट्रिया के जो एम्पायर हुआ करते थे या जो फ्रांस की जो एम्पायर हुआ करती थी, उनमें कई सारे डिफरेंट रीजंस शामिल हुआ करते थे और अलग अलग रीजंस के लोग इसमें शामिल हुआ करते थे जो इनको एक होने से रोकते थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, इट वॉज सो वास्ट that it included the Alpine region along with the Bohemia of predominant German population. अब देखिए, Habsburg Empire Austria में rule करता था, लेकिन इसमें Alpine regions भी शामिल था, Bohemia भी शामिल था, जहाँ ज्यादातर जर्मन बोलने वाले लोग हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो Lombardy और Venetia के जो Italian provinces थे, they were also the part of Habsburg Empire. जब हम हंगरी की बात करें तो हंगरी में आधे से ज्यादा लोग तो हंगेरियन लैंग्वेज जो मेगर होता है वो बोलते थे, लेकिन आधे से ज्यादा लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते। हम गालिसिया जो स्पेन का एक प्रोविंस है उसकी बात करें, तो वहां के जो एरिस्टोक्रेसी लोग हैं वो पोलिश लैंग्वेज बोला करते। इसके अलावा रोम का जो पेपल स्टेट है वो भी लोगों को एक होने से रोकता था, यानी एक नेशन बनने की जो प्रोसेस है उसको लगातार डिस्टर्ब करता था। अब सवाल उठता है, चैलेंजेस बहुत सारे, इन चैलेंजेस को दूर करते हुए नेशन की ओर बढ़ने में कौन सी घटना ने सबसे अहम भूमिका प्ले की, इस पे हम चर्चा करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बच्चों आप इस पिक्चर, दो पिक्चर को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, आपने क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, एंड इफ यू हैव रेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देन डेफिनेटली you can identify this picture. This picture is of the port of Bastille. और आप सबको मालूम होगा, port of Bastille के decline के बाद ही French Revolution की शुरुआत हुई थी। आइए हम देखते हैं French Revolution कब हुआ और क्या क्या इससे फर्क पड़ा जिससे हम nation की दिशा में आगे बढ़े। आपने बच्चों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1789 में इसकी शुरुआत हुई। 1789 तक
फ्रांस जो है फुल प्लेस मोनार्कियल कंसीव हुआ था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने लगे और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाली स्थिति आई। आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का दौर आया, कंप्लीट डेमोक्रेसी का दौर आया, उसके बाद डायरेक्टरी का रूल आया, अगेन नेपोलियन का रूल आया, तो लगातार वहां पे क्या हुआ, चेंजेस होने लगे और कई तरह के पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। कई सारे प्रयास फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान किए गए जिससे एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के बीच में क्या हो सके, उत्पन्न हो सके। इसके अलावा एक ऐसा मिशन डिक्लेयर किया गया जिससे लोगों को डिस्पोटिज्म से मुक्ति दिलाने के लिए, लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए जो एक प्रवृत्ति है लगातार में डेवलप किया जा सकता। आप सबने पढ़ा होगा जेकोबिन्स क्लब के बारे में और आप ये भी जानते हैं कि किस तरीके से जेकोबिन्स क्लब ने वहां के लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में और ज्यादा अवेयर करने का प्रयास किया, हालांकि उसकी कुछ कमियां थी, ये भी आपने पढ़ा। आइए देखते हैं कि कौन से आइडिया थे जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों ला पैट्री दैट मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड, ले सिटोयन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही निकल के सामने आया। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जिसमें लोगों को कुछ राइट्स दिए गए वो भी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही निकल के आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही एक ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग लाया गया, एम्पायर की जगह पे एम्परर की जगह पे एक नेशन का जो फ्लैग है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आया। इसके अलावा वहां के शहीदों की प्रशंसा में गीत गाने लगे, शपथ लिए ओथ लिए जाने लगे, नेशन के नाम पे शपथ लिए जाने लगे। आप लोगों ने बच्चों उसके बाद पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स भी अडॉप्ट किए गए, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी फॉर्मुलेट किया गया था, फ्रेंच जो है वहां का नेशनल लैंग्वेज बन गया और जितने भी रीजनल डायलेक्ट थे उसको डिस्करेज किया गया। इसके अलावा मैंने बताया एलिगरीज की जो बात की थी हमने, आपने देखा किस तरीके से जर्मनी में जर्मेनिया की एलिगरी डेवलप की गई, फ्रांस में मेरियाना की एलिगरी डेवलप की गई, ताकि अब जो कंट्री है जो नेशन है कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होगा, उसे हम एक लिविंग फिगर के रूप में, उसे हम मदर के रूप में देखने लग जाए, ताकि हमारी फीलिंग राष्ट्र के प्रति से क्या होगी। इसके अलावा बच्चों नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ा, भले ही आप लोगों ने देखा होगा नेपोलियन ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समाप्त करके वापस मोनार्की को स्टेब्लिश किया, लेकिन इसके बावजूद नेपोलियन ने मोनार्की रहने के बावजूद जिस तरह के प्रयास किए, जिस तरीके से सुधार किए, उसने भी लोगों में डेमोक्रेटिक स्पिरिट को लगातार बनाए रखा। नेपोलियन ने एक नया कोड लेके आया हुआ था जो सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है, इसका भी अहम रोल रहा लोगों को अवेयर करने में या राष्ट्रवाद के प्रति अवेयर करने में। जी क्या क्या सर, कोड ऑफ 1804 में सर, क्यों ना हम नेपोलियन कोड से ही अपना जो पार्ट टू है उसे कंटिन्यू करें, और अभी हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम इस आज के चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, पर जैसा कि आपने बताया कि पार्ट वन है तो पार्ट टू भी आप बहुत जल्द लेकर आएंगे तो उसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इज दैट ओके सर? ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर, अभी इतनी जानकारी देने के लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने हमें समझाया कि और जो नेशन का आइडिया था उन्हें वो कैसे आया यूरोप के दिमाग में, और उन्होंने कैसे फ्लैग्स को लिया, और फादरलैंड का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे बना, तो बहुत सारी चीज़ें आज आपने बिगिनिंग के लिए हमें समझाई और इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहीं पर बने रहिए, थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे साइंस का एक कार्यक्रम नवी कक्षा के सभी बच्चों के लिए ई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए और अपने सवाल भी हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।
जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे दैट वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर. अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन हर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग ग्लोबल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल एंड इन डूइंग सो मैनिफेस्ट इट्स ट्रू स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम और should I say the world is one family. तो इसी अनाउंसमेंट के साथ चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, पर हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ई विद्या चैनल्स. थैंक यू एक बार फिर से, अपना ध्यान रखिएगा. नमस्कार.